हेलो बच्चों, आज की हमारी कहानी है दो सहेलियों नीलू और निकू की। एक दिन निकू बाजार से शॉपिंग करके वापस लौट रही थी। अचानक उसे उसकी सहेली नीलू दिखाई दी। हाल चाल पूछने के बाद नीलू ने निकू से पूछा कि वह बाजार से क्या खरीद कर लाई है। निकू को शरारत सूझी और उसने पहेली के द्वारा अपनी बात बताई। उसने कहा, मेरे पास 15 गेंदे हैं, कुछ सब कुछ लाल। तुम बता सकती हो कि कितनी गेंदे सफेद हैं और कितनी लाल? हाँ, पर क्या इसका उत्तर पाने के लिए तुम मुझे गेंदों की संख्या के संबंध में कुछ और जानकारी दे सकती हो? हाँ, लाल गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की दुगनी है। तो चलो तुम्हारी पहेली को हल करते हैं। तुमने बताया लाल गेंदों और सफेद गेंदों की कुल संख्या 15 है। लाल गेंदे सफेद गेंदों की दुगनी है। मुझे ये लाल और सफेद बार बार लिखना थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो चलो मान लेते हैं तुम्हारे पास x लाल गेंदे हैं और y सफेद गेंदे हैं। अब x जमा y बराबर 15 और x बराबर 2y। निकू, क्या तुम्हें पता है कि x और y वेरिएबल्स यानी कि चर पद कहलाते हैं? वहीं 15 और 2 कॉन्स्टेंट्स यानी अचर पद है। पता है क्यों? क्योंकि चर पद वो पद होते हैं जिनका मान स्थिर नहीं होता। मतलब इनका मान कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन अचर पदों का मान स्थिर रहता है, ये बदलता नहीं। चलो, चर और अचर पद, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, इससे रिलेटेड अभी आपने एक छोटी सी स्टोरी सुनी, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि चर और अचर पद क्या होते हैं। चर और वेरिएबल मीन्स जो वेरी कर सके, जो बदल सके, जिसका मान फिक्स नहीं है, जिसको आपने एक्स या वाई एज्यूम किया। एक्स या वाई जरूरी नहीं है कि आपने एक्स ही लेना है या वाई ही लेना है। ये तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। सो वेरिएबल का मतलब है जिसके लिए कोई फिक्स्ड वैल्यू आपके पास नहीं है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी इस स्टोरी में आपने सुना था कि निकू के पास x प्लस y यानी कि लाल और सफेद गेंदे थी और दोनों गेंदों का जो योग था वो 15 था। अब हमें नहीं पता कि लाल गेंदे कितनी है और सफेद गेंदे कितनी है, तो उस संख्या के लिए आपने x मान लिया। अब आपका जो x है वो कुछ भी हो सकता है और y भी कुछ भी हो सकता है। टोटल योग आपको 15 मिलना है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि x का मान 1 हो और y 14 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 15। हो सकता है ये 2 हो और 13 हो, ऐसे 3 और 12, और इसी प्रकार से ये अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। तो मीन्स x और y का जो मान है वो फिक्स नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जो 15 है, क्या आप उसको बदल सकते हैं? क्या आप उसकी जगह रख सकते हैं कि चलिए हम x प्लस y, आपके पास 15 है, जैसे आप x के लिए 1 रख रहे हैं, y के लिए अलग अलग वैल्यूज रखते जा रहे हैं, x के लिए भी अलग अलग वैल्यूज रखते जा रहे हैं, ऐसे क्या आप इस 15 को भी बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं। क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि ये फिक्स है, इसका मान यही रहेगा, इसका मान बदल नहीं सकता। तो जो वैल्यू फिक्स रहती है, चेंज नहीं हो सकती, वो हमारे अचर पद है यानी कि कॉन्स्टेंट्स है, स्थिर है, फिक्स वैल्यू है। इसमें कोई बदलाव किसी दिए हुए क्वेश्चन में, किसी दी हुई प्रॉब्लम में नहीं हो सकता, और एक्स और वाई के लिए अलग-अलग मान आप निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये है हमारे चर और अचर पद।
इन्हीं चर और अचर पदों की जरूरत हमें हमारे 10th के 3rd चैप्टर में पढ़ने वाली है। तो उसके लिए आइए पहले कुछ ग्राफ देखते हैं और उसके बाद वापिस आते हैं। अभी आपने कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यानी कि चर और अचर पदों के बारे में जाना, तो आइए अब हम इन्हीं समीकरणों को, इन्हीं इक्वेशंस को ग्राफ के थ्रू देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन समीकरणों के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो हमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा। आपने अभी पहला जो ग्राफ देखा वो बहुपद x के लिए था, यानी कि पॉलिनोमियल x के लिए ये ग्राफ खींचा गया था। आप दूसरा ग्राफ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि x प्लस y इज इक्वल टू 5 के लिए है। ये आपका तीसरा ग्राफ है। आपने इन सभी ग्राफ्स को ध्यान से देखना है। आप देखिए मैं नीचे स्टेटमेंट चेंज करते जा रही हूँ और आप ध्यान से देखिए कि ग्राफ में क्या चेंज आ रहा है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इन ग्राफ्स में आपको क्या समानता नज़र आई। क्या ये ग्राफ अलग अलग प्रकार के हैं या इन सभी ग्राफ्स में कुछ एक खासियत है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन्हीं ग्राफ के आधार पर, इन्हीं ग्राफ को बेस बनाकर हमने इन इक्वेशंस को एक खास नाम दिया। आपने अभी जो ग्राफ देखे वो सभी ग्राफ कुछ इस प्रकार के हैं। अब मैंने उसमें आपको कहा कि इन ग्राफ्स के आधार पर ही हमने इन इक्वेशंस को, इन समीकरणों को एक नाम दिया। तो देखते हैं इन समीकरणों को हमने क्या नाम दिया। क्या आप इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा है? देखिए यहाँ जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। सेम यहाँ पर है कि जो ग्राफ जितने भी आपको मिल रहे हैं, चाहे वो आपके लिए इक्वेशन कुछ भी थी, तो उनके लिए आपको जो ग्राफ्स मिले वो अलग अलग मिले, लेकिन सभी ग्राफ्स में मैंने आपको कहा था आप चेक कीजिए आपको समानता मिलेगी। वो जो समानता थी, वो सिमिलैरिटी थी, वो क्या थी कि जो सभी ग्राफ हैं उसमें आपको एक सीधी लाइन, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। और यही से हमने इन समीकरणों का नामकरण किया, इन समीकरणों को एक नाम दिया, क्योंकि हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही थी, तो इसलिए हमने इन समीकरणों को कहा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मींस आपको यहाँ से, इन समीकरणों से अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी, तो इन्हें हमने कहा रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन। इज दैट क्लियर? रैखिक और लीनियर। अभी जो रैखिक या लीनियर है वो टर्म यहां हमने ग्राफ के बेस पर कही। यहां एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, यहां आप देखिए जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो रैखिक या लीनियर हम इनको इनकी पावर के बेस पर भी कह रहे हैं। क्लियर? तो जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर x की पावर 1 है तो वहां आपको रैखिक बहुपद, यानी कि पावर के बेस पर आपने उन बहुपदों को, उन पॉलिनोमियल्स को कुछ नाम दिया। सेम वे यहां पर है, हमने यहां पर एक की बजाय 2 वेरिएबल्स को यूज किया और पॉलिनोमियल्स की बजाय हम इक्वेशन यानी कि समीकरणों की बात कर रहे हैं। मैं मान के चल रही हूँ बेटा कि आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस पता है, यानी कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बहुपद और एक समीकरण में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा इसे फिर एक्सप्लेन करूंगी। चलिए यहाँ हमने बात की कि हमारे पास जो समीकरण हमें मिले वहां पर 2 चर पद हैं, यानी कि 2 वेरिएबल्स हैं। तो 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि आपको किन्हीं 2 चीजों का मान निकालना है। आपको कुछ भी, जैसे आपको कहा जाए कि मैं, आपको कहा गया कि आपके पास
कुछ लाल और कुछ सफेद गेंदे हैं और उनका योग 15 है। अब यहाँ पर जो दो वेरिएबल चीजें हैं वो दो हैं, क्यों? क्योंकि एक जो है आपको निकालना है कि आपके पास जो लाल गेंदे हैं उनकी संख्या कितनी है, दूसरी तरफ आपको निकालना है कि जो आपके पास सफेद गेंदे हैं उनकी संख्या क्या है। तो ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि सफेद गेंदे कितनी हैं और लाल गेंदे कितनी हैं। क्लियर? तो इसीलिए हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी। वहां उस स्टोरी में आपने देखा कि नीलू ने समीकरण का, उस पहेली का आंसर देने से पहले नीलू ने पूछा, क्या इन संख्याओं में आप मुझे कोई और संबंध बता सकते हैं। वहां ये जो प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न को पूछने के पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि किसी भी दो चरों में रैखिक समीकरण को, यानी कि टू वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन को आप अकेले इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। वहां आपको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है जो उन दोनों वेरिएबल्स में हो। जैसे आप यहाँ देखिए, ये एक्स और वाई में एक लीनियर इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, तो इन दो इक्वेशंस को हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, और यही हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। तो उन चैप्टर्स, इस चैप्टर की अलग अलग एक्सरसाइज तक पहुंचने से पहले मैं आपको ये जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करना चाह रही हूँ, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो है, और आगे भी आप इसको यूज करेंगे। तो आपने जो सबसे पहली चीज यहाँ सीखी वो ये है कि रैखिक समीकरणों में जो आपका ग्राफ है, लीनियर इक्वेशंस में आपको जो ग्राफ मिलेगा वो आपके पास एक सीधी रेखा है। क्लियर? तो यहाँ हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है सिर्फ एक इक्वेशन के लिए, तो एक ही ग्राफ के अंदर हम इन दोनों के लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे।